हजारीबाग के समार नाले स्थित धरना स्थल पर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा, जिसमें मुख्य रूप से श्रम सुधार अधिनियम 2020 के खिलाफ आवेदन दिया जा रहा। भारतीय मजदूर संघ के सदस्य ने बताया कि सरकार के द्वारा श्रम सुधार अधिनियम लाया गया है, हम उसे निरस्त करने की मांग करते हैं, इसमें काफ़ी गड़बड़ियां हैं, हम इसका सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले हमारा श्रम कानून था वह 44 था, अब उसको हटाकर 4 कर दिया गया, जो कि श्रम विरोधी कानून है। हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो श्रम सुधार कानून को निरस्त करे या उसमें संशोधन करे या फिर पुरानी श्रम सुधार कानून को लागू किया जाए। इसी के साथ P3 न्यूज झारखंड के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की देखें एक रिपोर्ट। चल रहा है भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले, पूरे हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय में यह चल रहा है, और यह जो विषय है श्रम सुधार विधेयक 2020 जो आज कोर्ट पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। पहले जो हमारा श्रम कानून था वो 44 था, उसको 44 को हटा के 4 किया गया, हुआ है जो श्रम विरोधी कानून है, उसी के लेकर भारतीय मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से यह मांग करती है कि श्रम सुधार विधेयक 2020 को निरस्त करें या संशोधन करें, पुरानी श्रम कानून जो था उसका बहाल करें। यही मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन कर रहा है और उपायुक्त महोदय के द्वारा यह 10 सूत्री मांग पत्र प्रधानमंत्री को सौंपने का काम किया जाएगा। शंकर सिंह, जिला मंत्री, हजारीबाग, भारतीय मजदूर संघ।